फिर वही चिरागर तू, हर सुबह शाम तेरा तो बस यही काम है। अब तो ये बेचारा चिराग भी उब गया होगा, मगर तू नहीं थकी। अरे कुछ तो पता चले, तू दुआ क्या मांगती है? पता भी चल जाएगा तुझे एक ना एक दिन। लड़कियां और क्या मांग सकती हैं सिवाय इसके कि उन्हें एक अच्छा शौहर मिले। अच्छा जीनत, क्या सचमुच तख्त हजारे में अपने हीर के मुकाबले कोई खूबसूरत लड़की नहीं? लड़कियां तो ऐसी ही हैं। हाँ, लड़के अच्छे खूबसूरत। अच्छा। वहाँ एक लड़का है, बहुत ही खूबसूरत, नौजवान, क्या गाता है, क्या बांसुरी बजाता है। नहीं मिलेगा सुकून यहां, नहीं मिलेगा तुझे। तू इसके सुरों के समुंदर में चाहे जितने भी गोते लगा ले, नहीं मिलेगा जवाब। न जाने कब कहां किस जहां में तेरे वजूद का कोई हिस्सा गुम हो गया था, उसकी तलाश में भटकता है तेरा अधूरापन। हाँ बाबा, भटकन भी है, अधूरापन भी। अब तुम्ही कोई रास्ता दिखाओ बाबा, मुझे तो हर चीज बेमानी लगती है। अल्लाह, तेरी भटकन में ही तो तेरे सुकून का राज छुपा हुआ है। भटक, भटकता जा। दरिया चिनाब की उस तरफ की मिट्टी से तेरा कोई गहरा रिश्ता मालूम होता है। रब तेरा निगेबां हो। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अरे अब्दुल, हमारे दीदों को तुमने कहीं देखा है? हमने तो नहीं देखा, क्यों, कहां चला गया वो? तुम उसकी फिक्र करते हो जिसे खुदा ने बेफिक्री से नवाजा है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। लेकिन वो समझ गया था, इसलिए वो कूच कर गया यहां। मगर कहां कूच कर गया? अपनी मंजिल की तरफ, अपने मकसद की ओर। सामान खरीदने आए हैं। ये कौन सी जगह है भाई? बारादरी। मगर तुम इसके आसपास भी नहीं भटकना, वरना जहाँ से आए हो ना वहीं खोटे सिक्के की तरह पहुँचा दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि ये बारादरी यहाँ के चौधरी की सच्चरी बेटी हीर की है। शरारत है। मेरी शरारत क्या? मुझे सोते हुए तूने कुछ किया था? नहीं तो, बल्कि तू जिस तरह चौंक कर उठी मुझे तुझ पर हंसी आ गई। पता नहीं कैसे मुझे झपकी सी आ गई और फिर अचानक अजीब कंपकंपी के साथ आंख खुल गई, जैसे किसी ने झिनझोड़ के जगा दिया हो। सपना देख रही होगी तू? अरे दिन में सपने देखेगी तो इसी तरह चौंक कर उठेगी। चल बारादरी चलते हैं। बाकी सब कहाँ है? अरे छोड़ उन घोड़ियों को, आज सिर्फ हम दोनों कश्ती की सैर करेंगे। कश्ती की सैर करके बड़ा मजा आया। मगर तो कश्ती वाले को छेड़ क्यों रही थी उसको? मेरी पलंग पे ये कौन सोया हुआ है? कित कितनी हिम्मत हुई। होगा कोई शैतान या सौदाई जिसे यहाँ सोते हुए न डर लगा न शर्म आई। मजाक नहीं बेगो, जा उस लुडन के बच्चे को पकड़ कर ला, ये रखवाली करता है मेरी बारादरी का। जा रही हूँ जल्दी। जा रही हूँ।
आज तक किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई, कितनी हिम्मत। ओए, कौन हो तुम? लगता है पीर बाबा ने तुम्हें ढूंढने में मेरी ही मदद की। दे दो। हाँ। अपने चेहरे के इन चिराखों से पलकों की चिलमन तो उठाओ, मुझ तक रोशनी तो आने दो। कब से भटकता फिर रहा हूं अंधेरों में, अब मंजिल की एक झलक देखने दो। ये देख, ये रहा वो मुश्तंडा। कुछ बताया से कहां से आया है? जी नहीं बताया तो अभी बताएगा। ऐसा चप्पू चलाऊंगा मैं कि अपनी सात पुश्तों की कहानी सुनाएगा ये आपको। अरे, इसकी कहानी सुन ली मैंने, तो आपने सुना? यही रखवाली करता है मेरी बारादरी की। हाँ और जी अल्लाह कसम, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं दरिया में डूब के मर जाऊं जी। पता नहीं ये दरियाई कोड़ा अंदर कैसे आ गया जी, पता नहीं। पहला मौका है इसलिए तुझे छोड़ दिया जी। चलो देखो। सरकार ये तो बताओ कि इस दरियाई कोड़े के साथ सलूक क्या करूं मैं? ये कोई परदेसी मुसाफिर है, रास्ता भटक गया है इसलिए यहाँ आ गया। इसकी रहने का कहीं बंदोबस्त कर दे। हाँ चल हम चलते हैं। तूने इसको छोड़ दिया? अरे एहिर चुप, तू देख ले रही, मैं पीर बाबा से कुछ मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा है तू? मैं पीर बाबा से मांग रहा हूँ जब हम लुक्का छुपी खेले तो पीर बाबा मेरी मदद करे तुझे ढूंढने में। फिर भी तू मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। क्यों? पीर बाबा हमारे हैं, तुझसे ज्यादा वो मेरी मदद करेंगे छुपने में। अखियों ने अखियों से मिलके कर लिए सौदे दिल के, और अब दिन आए मुश्किल के, और अब दिन आए मुश्किल। तुम्हारे सुरों की उड़ान जितनी ऊंची है, तुम्हारी खामोशी की गहराई उतनी ही गहरी। मुझे उसकी थाप लेने दो। तुम खुद ही शबाब का एक ऐसा दरिया हो जिसकी हर मौज मेरे सुरों की उड़ान भी है और मेरी खामोशी का बयान भी। मेरे तसव्वुर की हर उड़ान तुम्ही से शुरू होती है और तुम्ही पर आकर खत्म होती है। मेरा आगाज तुम, मेरा अंजाम तुम, बस तुम ही तुम। जवान क्या नाम है तेरा? जी रांझा। सुल्तान इसे तुम काम समझा देना और बाड़े में रहने का इंतजाम कर देना। जा। बहुत सुना था जन्नत के बारे में, लेकिन तेरी आगोश से बेहतर जन्नत और कहाँ मिलेगी? तेरी मौजूदगी से ही ये आगोश जन्नत है रांझे, और तेरी मोहब्बत के सदके ये हीर हीर, वरना तेरे बगैर मेरी क्या अहमियत है? वही जो खुद को देखने के लिए बेताब शख्स के लिए आईने की, इसलिए तो ताकता रहता हूं तुम में खुद को और खुद में तुम्हें। रांझना
हाय रब्बा, ये कौन हो सकता है? शायद पहला इम्तिहान हो। मुझे डर लग रहा है कहीं अम्मी को हम दोनों पर शक तो नहीं हो गया रंजन। तुम जल्दी से छुप जाओ, इसके पीछे मैं देखता हूँ। चौधरी जी आप खैरियत तो है ना? अभी मालूम हो जाएगा, घबराता क्यों है? पीछे हट। नौकरों की कोई खास शक्ल होती है क्या? अरे चौधरी क्या ढूंढ रहे मुझे बताइए, मैं ढूंढ देता हूँ। ज्यादा होशियार मत बन, अभी दिखाता हूँ तुझे। कहाँ है वो? वो कौन? बनता है कमीने, जानवरों के साथ कैदों को भी चलाता है। इस मुए भंगोड़ी के कहने पर हम लोग यहाँ चले आए, पहले हीर को उसके कमरे में तो देखते। तुमने देखा नहीं? अरे हाँ आप देखती, इसके कहने पर मेरे तो होश ही उड़ गए। अब्बू अम्मी आप लोग इस वक्त सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटी, तेरे इस बददिमाग चाचा को छोड़कर सब ठीक है। क्या हुआ चाचा को, फिर भांग चढ़ गई क्या? कोई ख्वाब देख कर डर गई? डर तो मैं क्या था बेटी, खैर तू जा, जा अंदर सो जा। चलो जी। चौधरी मेरी बात तो, चौधरी मेरी बात तो। अच्छा चाचा आप सो जाओ, डरना नहीं। लेकिन बाप की नजरों में चाचा को नीचा दिखाने में आज तो तू कामयाब हो गई, लेकिन तू भूल गई कि मेरा नाम कैदो है। कैदो जिसे चकमा देने से खुदा भी घबराता है। चल छोड़ चाचा, अब ये बता कि तूने आगे सोचा क्या है। सबसे पहले तो मैं अपने दिमाग का इलाज करवाऊंगा। सुना है रंगपुर के पास एक गांव है जिसमें एक बहुत पहुंचा हुआ हकीम रहता है जो भंगड़ियों और दिमागी मरीजों का इलाज करता है। अगर सुल्तान मुझे वहां पहुंचा दे तो सिर्फ आप सबको ही नहीं, मुझे भी इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। शुक्र है तूने इलाज की सोची, सही काम के लिए हम सब तेरे साथ हैं। सुल्तान बेटे तू साथ जा, चाचा को हकीम के पास ले जा, और जब तक इलाज चले देखभाल के लिए तू वहीं रहना। जा। ये बा। अच्छा चौधरी। अपने खून की दगाबाजी और बेहाय की नंगी तस्वीर को अपनी आंखों से देख लो चौधरी। काश मैं तेरे खून से तेरे इस गुनाह की मैल को धो सकता, काश मैं कैदों की बात पर यकीन कर लेता, लेकिन नहीं, नहीं। मैं अंधा हो गया, तेरे प्यार ने, तेरे लाड ने। नहीं चौधरी जी, ये बेकसूर है,
लेकिन अगर चौधरी साहब, मेरी बेटी मेरे लिए एक सरमाया है, उसे किसी और को सौंपे जाने की बात इस तरह पहली बार उठ रही है, इसलिए सारी बातचीत मेरे लिए हकीकत नहीं बल्कि एक हादसा सा लग रही है। एक हसीन हादसा, खुशगवार हादसा, जिसका इंतजार हर बेटी का बाप करता है और हर बेटी जिसका ख्वाब देखती है। वो ख्वाब मैं हूं चौधरी जी। यहां से चला जा गुस्ताख, अपनी जान की सलामती चाहता है तो। मकसद पाक हो तो मौत कुर्बानी बन जाया करती है चौधरी जी। मेरा इश्क मेरा मकसद बन गया है, ऐसी सैकड़ों जिंदगियां कुर्बान कर दूं मैं उस पर। इससे पहले कि मैं तेरी जबान हमेशा के लिए खामोश कर दूं, बोल तो किसका तुक हमें? बोलता क्यों नहीं? कौन है तू? मैं तख्त हजारे के मौजू चौधरी का बेटा दीदो। तो मौजू ने हमसे इंतकाम लेने का ये तरीका ढूंढा है, लेकिन हमें नीचा दिखाने के मंसूबे के जवाब में हम उसके बेटे का सर काट देंगे। मौजू तो कब का मर चुका है, होश में आओ चूचा, होश में आओ। जैसे मुझे तेरा बेटा सुल्तान अजीज है, वैसे ही मौजू का बेटा होने के नाते ये भी। अब्बू तुम मुझे ही मार डालो, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। अब्बू देर के अब्बा, रब के वास्ते बात और ना बढ़ाओ। यार अब ये कैसा इंतकाम है? तेरा दुश्मन खुद मर के भी ऐसा बीज छोड़ गया है जो मेरे ही घर मेरे ही खून में मेरी ही रगों में जड़ लगाकर मुझे ही नीचा दिखा गया, और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? देख चौधरी, ये सर आज तक रब के सिवा किसी के सामने नहीं झुका। मैं इन मासूम बच्चों की पाक मोहब्बत की खातिर अपनी पगड़ी तेरे कदमों में रखता हूँ चौधरी। ना चौधरी, ना ना ना, इस नामुराद से कह दे कि वापस गांव चला जाइए और अपने घर के किसी बड़े बूढ़े को पैगाम देकर हमारे यहाँ भेज दे। जब तक वो खुद चलकर हमारे यहाँ नहीं आते, मेरी हाँ या ना का कोई मतलब नहीं। आखिर हर चीज का कोई कायदा होता है, हर चीज का कोई कायदा होता है। मेरे बच्चों, खुदा तुम्हारा निगहबान हो। इस मसले का हल तो यही है कि रिश्ते के पैगाम की बजाय उन कमीनों के पास इंतकाम का पैगाम भेजा जाए। इसकी एक एक चोट का हिसाब देना होगा। खुदा के लिए अपने इंतकाम को मेरी मोहब्बत में मत उलझाओ। मेरी हीर मेरे इंतजार में अपनी सांसें गिन गिन कर जाने कैसे एक एक दिन सदियों की तरह गुजार रही होगी। अपने बाप को धोखा दे सकती है, वो हमें कहां बख्शेंगी? इतनी दुश्मनी के बावजूद तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी बेटी से हम अपने भाई का रिश्ता कर लेंगे? तुम्हारे खानदान से रिश्ता तो दूर, हम थूकना भी पसंद नहीं करते। लानत के साथ तुम्हारे दुश्मन के बेटे। अब तो गरम लोहे को
बिरादरी के हथौड़े की चोट की सख्त जरूरत है। चौधरी, एक तरफ तुम्हारी वो पागल लड़की और दूसरी तरफ पुश्तों से चली आ रही तख्त हजारे के साथ दुश्मनी। अब बोलो चौधरी, तुम अपनी लड़की के साथ दुश्मनों के पास जाओगे या फिर हमारा साथ दोगे? यार अब आज किस चौराहे पर ला खड़ा कर दिया है तूने मुझे, जहां एक तरफ तो मेरी बदकिस्मत बेटी झोली फैलाए खड़ी है तो दूसरी तरफ मेरा बदबख्त भाई अपनी वफादारी का हिसाब मांग रहा है। मौत के मुंह में तो शायद वापस आ गया, वहां मेरी जिंदगी मेरी राह देख रही होगी। उसके बगैर जिंदा रहना मेरे लिए मौत से भी बदतर होगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, खुदा जाने उस पर वहां क्या गुजर रही होगी। दे दो। मैं अपनी पगड़ी तेरे कदमों में रखता हूं, तेरी मर्जी है अब, चाहे तू इसे ठोकर मार दे, चाहे मुझे जिंदा रहने की मोहलत बख्श दे। नहीं अब्बू, नहीं, मुबारक हो, मुबारक हो, उसने अपनी खुशी से हाँ कह दी। कहाँ है मेरी हीर? अब आए हो तुम जब सब कुछ खत्म हो गया। मगर वो है कहाँ? वो बोल गई है उसका निकाह नहीं, फातिहा पड़ा गया है, जनाजा ले गए खेड़े, वो वही कब्र में तुम्हारा इंतजार करेगी। अब कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ उसे, इसे भी उसी रब की रजा मान। इस तरह से जिंदा रहने का फैसला एक समझौता होगा, तुमसे शादी करने का मेरा फैसला भी एक समझौता ही था, और अगर जरूरत पड़ी तो शायद मैं कोई और समझौता भी कर लूं, मगर खावन तुम्हें मुझे ही मानना पड़ेगा। मेरी बदनसीबी यह है कि तुम दोनों की मोहब्बत दो तरफा रही और मेरी चाहत एक तरफा थी, वरना किसी और की जूठन बटोरने का हौसला मैं कभी ना समेट पाता। दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे, मर जाना है। मिल गया खुदा भी दुनिया से, बस ये शिकवा कर जाना है, नहीं जीना मुझे, मर जाना है, नहीं जीना मुझे, मर जाना है। भाभी बहुत पहुंचे हुए फकीर है, आओ। ये मेरी भाभी है, बहुत नाउमीद हो चली है, इसे कुछ बताइए। इसकी नाउमीदी के पीछे एक लंबी कहानी है, इसने इश्क तो किया लेकिन उसे परवान नहीं चढ़ाया, साथ जीने मरने के वादे करके कसमें खा के उसे रोता बिलकता पीछे छोड़ाई है। तेरे हिजर में सब कुछ छोड़कर मैं जोगी हो गया हूं हीरे। मेरे रांझना, मेरे रांझना।
कौन है तुम लोग? मैं इस बदकार का खावंद हूँ। नहीं हुजूर, मेरा असली खावंद तो मेरा रांझा है। मैं इस बेहया को ब्याह कर लाया था। तुम लोगों में से कौन सही और कौन गलत, इसका फैसला यहाँ नहीं हमारे महाराज के दरबार में होगा। आलमपना का इकबाल बुलंद हो, मैं ही वो काजी हूँ आलमपना जिसने सहदे का हीर के साथ निकाह पड़ा। मैं इस शरीयत के ठेकेदार से ये पूछना चाहती हूँ महाराज कि जो कुछ इसने हमारे साथ किया क्या वो संगीन जुर्म नहीं था? और सबसे बड़ा जुर्म इसने ये किया है कि मैं नाना की दुआई देती रही और इसने रिश्वत लेकर मेरे रजामंदी का ऐलान कर दिया। आलमपना, इस गुस्ताख की बातों में कितनी सच्चाई है, इसका सबूत तो आपको इसके अपनों की गवाही से मिल जाएगा जिनके सामने इसका निकाह पढ़ा गया था और इसने हाँ कही थी। सच ये है महाराज कि हम लोगों ने जबरदस्ती इसकी शादी की थी, तो रब भी हमें माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा रब हमें माफ। ऐसी पाक रूहों के कदम इस जमीन पर कभी कभार पड़ते हैं, हम सबको मिलकर इनका खैर मकदम करना चाहिए और इनके निकाह की दुनियावी रस्म के बंदोबस्त की शुरुआत भी करनी चाहिए। ये जश्न, ये बाजे गाजे के उठते शोर को मैं मातमी सन्नाटे का ऐसा कफन ओढ़ाऊंगा कि आने वाली सदियां भी इधर से बिना किसी आवाज के चुपचाप दबे पांव गुजरा करेंगे। मगर पहले ये तो बता कि ये लड्डू भेजे किसने हैं? तख्त हजारे वालों ने दुल्हन का मुंह मीठा कराने के लिए ये मिठाई और मेवे भेजे हैं। तब तो सबसे पहले इन पर हमारी बेटी का हक बनता है। ये ले, ये लिखा। चाचा तुम पहले खाओ। नहीं नहीं, ये तेरे रांझे ने भेजा है, इस पर तेरा हक पहले बनता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ बछड़ी, आज मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा, मैं बहुत खुश हूँ आज। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? क्या हो रहा है? मेरा दम घुट रहा है। चाचा ने ये क्या खिला दी मुझे? अम्मी, अम्मी, हीरे, मेरी बच्ची, क्या हुआ उसे? वो एक कैदों ने कुछ खिला दिया हमारी बच्ची को। मैं नहीं बचूंगी। मेरा मेरा जल्दी रांझे को बुला दे, उसे मेरा मुंह देखना है, तो फौरन आ जा मेरे पास। ये नहीं हो सकता। हीर, लगता है फिर बाबा ने हमारे बचपन के उस लुका छुपी वाले खेल को सच कर दिखाया, मगर तू ढूंढ लेगा मुझे। मैं
सुबह